वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले बस दो पंक्तियां हैं मेरे गानों की, वो सुन लीजिए आप लोग। बोल 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 बच्चन, सुन सुन बोले क्या बच्चन, अरे बोल बच्चन की बोली। फ्रेंड्स, ये गाना मैं गा रहा हूँ नाना देन करण जौहर साहब के लिए, क्योंकि करण जौहर साहब आज से एक महीने पहले यहाँ पर ऑनलाइन आए थे एंड उन्होंने बहुत ही भड़कता तड़कता हुआ इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि अरे कौन लोग हैं ये लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि ये फिल्म ओटीटी पर आ रही है, फलाना फिल्म ओटीटी पर आ रही है, ढिमका, प्लीज ऐसे अफवाहें मत फैलाइए, हम लोग को एग्जिस्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। फिर फ्रेंड्स, इससे क्या होता है पता है, हम जैसे लोग जो न्यूज़ ब्रेक करके लाते हैं आप लोग के लिए, हम लोग की हिम्मत तो नहीं टूटती है, क्योंकि जो आदमी सच के साथ खड़ा रहता है वो कभी भी डरता नहीं है, लेकिन क्या होता है जो लोग हमारे दुश्मन है वो हम लोग को झूठा समझने लगते हैं। देखिए गाइस, झूठे खबरें फैलाने के लिए किसी को कोई मजा आता नहीं यहाँ पर। मैं तो थिएटर्स को पहले दिन से सपोर्ट करता हूँ, यू नो, और आज भी सपोर्ट करता रहूंगा। ओटीटी में कभी जिंदगी में सपोर्ट किया नहीं हूँ और करूंगा भी नहीं, इसलिए मेरे लिए कोई झूठी खबर फैलाना कि ये फिल्म ओटीटी पर आ रही है, दैट्स नॉट कूल एट ऑल। मैंने आज से ऑलमोस्ट 2 महीने पहले एपिसोड बनाया था, जहां पर मैंने गुंजन सक्सेना नेटफ्लिक्स पर आई थी ये बात आप लोगों को बताकर चला गया। जब तक कोई डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर किसी से बात नहीं करता, हम तक इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, मेरे को बताओ। अब वो नेटफ्लिक्स पर बिकने वाली है, अमेजोन भी है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी है, कैसे मैंने आपको आके बता दिया डायरेक्टली कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे जाने वाली है। अब इसका जवाब आप दीजिए, मैं दूंगा, लेकिन बहरहाल उसको साइड में रखते हैं। फिलहाल गाइस, धर्मा प्रोडक्शंस हैज अनाउंस्ड देयर ह्यूज प्रोजेक्ट गुंजन सक्सेना, तो मुझे लगता था जिसके विजुअल्स बहुत ही अपीलिंग होने वाले थे। आई मीन कम ऑन, यू आर मेकिंग अ फिल्म ऑन इंडियाज फर्स्ट फीमेल एयरफोर्स यू नो पायलट एंड यू आर रिलीजिंग इट ऑनलाइन। ठीक है, धर्मा प्रोडक्शन जैसी इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास इतने पैसे है, उनकी क्या मजबूरी आ गई भाई कि वो ऑनलाइन आ रही है। हाँ, एंड ऑनेस्टली बोलो गाइस, जितनी भी फिल्में जो ऑनलाइन आई है इनसे थिएटर वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ा है, चाहे वो घूम केटू हो, बमफाड़ हो, कोई भी फिल्म हो, क्योंकि गाइस थिएटर वाले तभी चिंतित होते हैं जब कोई बड़ी फिल्म ऑनलाइन आती है। वैसे भी ये छोटी फिल्मों को यू नो जब थिएटर्स चालू भी होते तो कहीं कोने में फेंक दिया जाता था, रात को 10 बजे 11 बजे का शो दे दिया जाते थे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, अब पड़ेगा। गुलाब और सिताबो आ गई, करण जौहर ने रिलीज कर दिया अपनी फिल्म ऑनलाइन, अब फर्क पड़ेगा इनको। जस्ट इमेजिन गाइस, धर्मा प्रोडक्शन जैसी इतनी बड़ी कंपनी, इतनी पैसे वाली कंपनी आज अपनी इतनी बड़ी फिल्म ऑनलाइन रिलीज कर रही है, तो छोटा प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जैसे कि बेचारा सुजीत सरकार हो गया, उसकी क्या परिस्थिति होगी, वो कितना घाटे में चल रहा है, जस्ट इमेजिन गाइस। चलिए गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। लखनऊ से एक छोटी सी लड़की जिसका सपना था पायलट बनने का, जिसके पिताजी कहते थे कि प्लेन लड़का चलाए या लड़की चलाए, कहलाया तो वो पायलट ही जाता है। एंड गाइस, 1999 में किस तरह से कारगिल वॉर में चीता फाइटर हेलीकॉप्टर चलाया था उन्होंने, एंड वॉर जोन में जाने वाली हमारी पहली भारतीय महिला बनी थी। वेल फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी ह्यूज फिल्म, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। इसका जो 1 मिनट का छोटा टीजर आया है वो देख के मैं रोंगटे खड़े हो गए। जानवी कपूर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द एयरफोर्स पायलट एंड लिटरली बोल रहा हूँ गाइस, दिस टीजर इज सुपर्ब, दिस फिल्म डिजर्व्ड अ थिएटरिकल रिलीज। लेकिन अब आपके स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, दिस इज गुंजन सक्सेना, द स्टोरी ऑफ गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। लुक एट द फर्स्ट पोस्टर, फैंटास्टिक, आई एम डैम श्योर इसके विजुअल्स इतने जबरदस्त बनाए होंगे गाइस, राइट फ्रॉम द VFX टू द फाइटर प्लेन्स टू द शूट, बहुत ही मोटिवेशनल इंस्पायरिंग फिल्म है, नेक्स्ट नीरजा बन सकती थी ये फिल्म, सीरियसली बोल रहा हूँ। लेकिन अब OTT पर आ रही है, अप्रिसिएशन मिलेगा, रेटिंग्स मिलेंगे, क्रिटिक्स अप्रिशिएट करेंगे, जनता भी देखेगी, लेकिन जो थिएटर का मजा है गाइस ऐसी फिल्मों को देखने का, वो OTT पर नहीं आता। जानवी कपूर दूसरी फिल्म है उनकी, हाई टैलेंटेड एक्ट्रेस, अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इनको नेपोटिज्म का स्टैम्प इनके सर पे लगा दिया है, लेकिन आई थिंक ये फिल्म देखने के बाद वो स्टैम्प दूर होता हुआ दिखाई देगा। इंस्पिरेशनल जर्नी मेड हिस्ट्री, दिस इज अ स्टोरी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, कमिंग सून ऑन नेटफ्लिक्स। सो गाइस, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, धर्मा मूवीज एंड जी स्टूडियोज, इतना बड़ा प्रोड्यूसर साथ में, पूर्व मेहता, जानवी कपूर, इसमें त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी भी है, अंगद बेदी है, विनीत कुमार है, मानव विज है, शरण शर्मा। सो गाइस, दिस इज कमिंग डायरेक्टली ऑन नेटफ्लिक्स, वो चीज मैंने आपको 2 महीने पहले बता दिया। वेल फ्रेंड्स, बहुत सारी फिल्में हैं जो कि ऑनलाइन आने वाली है, हिंदू की जवानी, छलांग, रूही अफजा, उसके बाद मिमी, गिनी विद सनी, लूडो, झुंड, ये सारी की सारी फिल्में गाइस ऑनलाइन आने वाली है, इनके अनाउंसमेंट के लिए इंतजार कीजिए। एंड यस, लक्ष्मी बॉम्ब,
जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है, क्योंकि डिज्नी खुद उसका प्रोड्यूसर है, वो अब कब अनाउंस करेगा उसकी ऑनलाइन ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन दे आर इन फुल प्लानिंग टू रिलीज इट ऑनलाइन। हाँ, उनके तरफ से वो डिनाइल आया है कि हम नहीं आ रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन डोंट बी सरप्राइज जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगी कि हम भी ऑनलाइन आ रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो और फिल्में बताऊंगा जो कि ऑनलाइन ऑलमोस्ट बिक चुकी है। एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म बोले चूड़ियाँ, जिसमें वो तमन्ना भाटिया के साथ है, एंड दूसरी फिल्म है डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे। ये सारी फिल्में ऑनलाइन जा चुकी है। अब सब लोगों का इंतजार है 12 जून का, जहां पर गुलाबो सितावो ऑनलाइन आएगी, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्या रिएक्शन आता है। 13-15 तारीख तक लोग रुकेंगे एंड फिर उसके बाद ये सारी की सारी पिक्चरें ऑनलाइन जो है उनकी अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगी। ओके गाइस, जानवी कपूर, गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल प्रीमियरिंग रिलीजिंग ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, नो थिएट्रिकल रिलीज, करण जौहर अनाउंसेस ऑफिशियली। मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।